गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. नाउ वी आर स्टार्टेड टू चैप्टर नंबर 4 इन इंग्लिश, प्रकाश द पीकॉक. देन टुडे वी आर रीडिंग दिस चैप्टर. ओके, नाउ लिसन टू वेरी केयरफुली एंड यू ऑल्सो रीड इट. ओके, नाउ लेट्स रीड. क्या देखा था हमने यस्टरडे हमारे इस चैप्टर में? यस, प्रकाश कौन है? प्रकाश इज अ यस पीकॉक. एंड तो पीकॉक देखा है आप लोगों ने, कैसा होता है पीकॉक? नाउ यस, कहाँ कहाँ देखा है आप लोगों ने पीकॉक को? यस, नेशनल पार्क में देखा है. आप सबको ये भी पता होगा, मैंने बताया था यस्टरडे आपको कि पीकॉक क्या है, हमारा नेशनल बर्ड है. द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड. ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड इन द वर्ल्ड. यस, क्या है पीकॉक? हमारे वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड माना जाता है. ओके, पीकॉक वे आर नोन टू फैन देयर कलरफुल स्टेल्स ओपन द डांस बिफोर इट रेन्स. क्या करता है पीकॉक? पीकॉक की स्पेशलिटी क्या है? सबको पता है कि जब भी बारिश आती है तो पीकॉक अपने टेल्स को, मीन्स पंखों को निकाल के फैलाकर, जो कलरफुल होते हैं, उन सारे कलरफुल स्टेल्स को निकाल के डांस करता है. कब? जब बारिश होती है. ओके, तो इसी पे बेस्ड हमारी ये स्टोरी है जो मैं आज आपको रीड करके सुनाऊंगी. ओके, तो आप सबको केयरफुल होके आपकी बुक को सामने रख के हमारी इस स्टोरी को सुनना है. ओके, यस, स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग एंड कंपेरिजन. लेट्स रीड. प्रकाश द पीकॉक वॉज वेरी शाय. ही कुड नॉट डांस इन फ्रंट ऑफ एनी अदर पीकॉक्स. थैया थाए वन टू द टीचर काउंटेड. वन टू रिपीटेड द लिटिल पीकॉक्स मूविंग द राइट फुट फर्स्ट एंड देन द लेफ्ट फुट. ओके, प्रकाश वॉच्ड देम फ्रॉम बिहाइंड अ बिग थॉर्नी बश. ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन हिज हाइडिंग प्लेस. ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू प्रैक्टिस लिपिंग नियर अ थॉर्नी बश. आउच 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 शाउटेड प्रकाश एज ही क्रैश्ड ऑन अ पेल ऑफ थॉर्नी क्विंग्स वाइल टेकिंग द ट्विस्टेड एंड लीप. What on earth was that noise? The teacher asked. He ran towards the thorny bush. Goodness, Prakash, what are you doing here? Why are not you dancing with all the other peacocks? The teacher asked. Before Prakash could reply, the other peacocks answered the chorus. Prakash can't dance. Prakash can't prance. He cannot even talk. All he can do is walk. Before the teacher could scold the peacocks, Prakash ran away. He stopped under a big jamun tree and began to cry. He would have stayed there crying all morning. Suddenly he heard thunder in the sky and this was followed by a flash of lightning. Prakash looked up and saw the bright lighting. Suddenly he felt happy. Thai 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 thakka thai thum. Prakash cried out loudly. He spread out his thinny tail like a fan and pranced and danced and reeled and twirled. He was so busy dancing that he did not notice that the class of peacocks had formed a circle around him. All of them were clapping. You are a great dancer, Prakash. Why are you so shy? The teacher asked. Prakash blushed and smiled. He felt shy and happy at the teacher's words. His teacher and his classmate had liked his dancing. Prakash did not know why he was so shy, but as they all walked back together,
हिज शाइनेस स्टार्टेड टू फेड अवे। तो क्या है ये हमारी स्टोरी थी जिसे हमने आपको क्या बताया, इंग्लिश में रीड करके बताया। ओके नाउ अब मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी कि हमारे स्टोरी में एग्जैक्ट क्या हुआ, प्रकाश कौन था। ओके प्रकाश एक पिकॉक कहलाता है। हमारी स्टोरी में बताया गया है कि एक पिकॉक है जिसका नेम क्या बताया गया है, प्रकाश बताया गया है, जो कि काफ़ी बचपन से कैसा है, शाय है। ओके शाय मीन्स शर्माना मीन्स हमेशा ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अपनी किसी भी एक्टिविटी को शो नहीं करते किसी के सामने और हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। तो उसी तरह हमारा यह पिकॉक प्रकाश भी उसी जैसा था। ओके तो क्या हुआ, एक बार उनके टीचर ने उनको क्या सिखाना स्टार्ट किया, डांस सिखाना स्टार्ट किया। 1 2 1 2 रिपीटेड अ लिटिल पिकॉक्स मूविंग द राइट फुट एंड फर्स्ट देन लेफ्ट फुट। टीचर ने क्या किया, उनको सिखाया डांस करना कि किस तरह से डांस करने के लिए उनको पहले फर्स्ट फुट मीन्स व्हाट इज मीनिंग बाय फुट। यस पता है आप लोग को फुट क्या होता है। ओके फुट मीन्स हमारे पैरों के नीचे का हिस्सा जिसे हम क्या कहते हैं, तल भाग मीन्स पैर के जो नीचे का पोर्शन होता है उसे फुट कहते हैं। ओके पीछे का पोर्शन फुट कहलाता है। देखा है आप लोगों ने, आप लोग आपके खुद के पैरों को देखकर समझ सकते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फुट। तो राइट लेग फुट को आगे करना देन लेफ्ट फुट को आगे करना वो कौन सिखाता है, उनकी टीचर सिखाती है। बट क्या होता है, प्रकाश सिर्फ उन बच्चों की प्रैक्टिस को देखता है चोरी छुप छुप के। कैसे देखता है, चुपचाप से किसी पेड़ के नीचे छुपकर उन सारे बच्चों के, उस पिकॉक के बच्चों के डांस को देखते रहता है। बट टीचर हमेशा उससे पूछती हैं कि क्या हुआ प्रकाश, तुम इन सारे बच्चों के साथ आकर क्यों नहीं डांस सीखते। यस तो प्रकाश ना ही उनके बातों को, ना ही उनके क्वेश्चंस का कोई जवाब देता है और ना ही कुछ, वह क्या करता है, चुपचाप से सिर्फ डांस देखने का काम करता है। बिफोर प्रकाश कुड रिप्लाई मीन्स क्या करता है, उन सब की बातों को सुनने के बावजूद भी प्रकाश अपने टीचर की बातों का रिप्लाई नहीं देता। प्रकाश कांट डांस कांट प्रेंच मीन्स ना ही वो डांस करता है, ना ही वो बात करता है, ना ही वो चलता है ना, ना घूमना फिरना वह कुछ भी नहीं करता। तो बिफोर द टीचर कुड स्कॉट द पिकॉक प्रकाश रन अवे। तो पिकॉक को देखकर, अदर पिकॉक को देखकर भी क्या करता है प्रकाश, कुछ भी नहीं करता और रन अवे मीन्स वहाँ से भागकर चला जाता है। और जाकर कहाँ रोने लगता है, यस वह बिग एक जामुन का पेड़ है वहाँ पर, वहाँ जाकर वह रोने लगता है। ही वुड हैव स्टे देयर क्राइंग ऑल मॉर्निंग। वह क्या करता है, रोज सुबह आके वहाँ पर रुक कर रोता है। सडनली ही हार्टेड थंडर द स्काई। उसी समय क्या होता है, आकाश में बिजली कड़कती है और देखते हैं कि वहाँ पे ब्राइट लाइटनिंग मीन्स आकाश में बिजली कड़कने के साथ साथ वहाँ उजाला भी होने लगता है और उस उजाले को, वह ब्राइटनेस को, ब्राइटनिंग को देखता है प्रकाश। तो सडनली ही फेल्ट हैप्पी। उस ब्राइटनिंग को देखकर, बादल को गड़गड़ाते देखकर, चमकते देखकर वह काफ़ी खुश हो जाता है और थाए थाए थैया थाए करके थुम प्रकाश क्राइड आउट लाउडली मीन्स जोर से रोने लगता है। और उसी के साथ साथ वह क्या करता है, ऑटोमेटिकली जैसे उसमें कोई एक एनर्जेटिक पावर आ गया हो तो वह उसे डांस करने की कोशिश करता है। वह अपने पंखों को फैलाकर और जोर जोर से घूम घूम कर डांस करता है। जैसा यह डांस करता है और साथ ही साथ जब उसकी टीचर उसे देखती है कि ये क्या हो गया, जो प्रकाश ना कभी किसी की बात सुनता था, ना किसी स्टूडेंट मिस, ना किसी बच्चों के साथ खेलता था, आज वो क्या कर रहा है, वह खुशी से झूम रहा है, नाच रहा है ना, तो डांस कर रहा है। वह अपने पंखों को फैला फैला के बहुत खुशी से डांस करता है, मानो जैसे कोई उसमें एनर्जेटिक पावर आ गया हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर, इन्हीं सब एक्टिविटी को देखकर उसके सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, उसे नोटिस करते हैं। ओके कि यहाँ जो बच्चा, जो पिकॉक कभी हम लोगों के साथ डांस नहीं करता था, ना कभी
खेलता था ना प्रैक्टिस करता था, वह आज अचानक कैसे इतने अच्छे से डांस करने लगा है। तो यह सब देखकर उसके फ्रेंड्स क्या करते हैं, जोर जोर से क्लैप करने लगते हैं। देखो दिख रहा है आपको आपके पिक्चर में, जैसे बारिश आने लगी, बादल गरजने लगे, तो प्रकाश पिकॉक कैसे अपने पंख को फैला रहा है, दिख रहा है आपके पिक्चर में? यस, तो प्रकाश बर्स्ट एंड स्माइल, तो प्रकाश बहुत अच्छे से शर्माया और स्माइल किया, और साथ ही साथ उसने क्या देखा कि वहाँ उसके टीचर उसको देखकर काफ़ी खुश हो गए हैं, उसके क्लासमेट्स उसको काफ़ी देखकर खुश हो गए हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि प्रकाश इतने खुशी से डांस कर रहा था, इतनी एनर्जेटिक उसमें पावर आ गया हो मान लो, तो वहाँ गोल गोल घूमकर खुशी से इधर उधर झूम रहा था। प्रकाश डिड नॉट नो वाई ही वॉज सो शाय, प्रकाश को खुद नहीं पता चला कि वो ऐसा क्यों शर्मा रहा था, बट एज दे ऑल वॉकड बैक टूगेदर हिज शाइनेस स्टार्टेड टू फेड अवे, और बाद में क्या हुआ, लास्ट में वो सारी चीज़ों को भूलकर सारे सैडनेस मीन्स येस बट दे ऑल वॉकड बैक टूगेदर, वह सब कुछ भूलकर अपने शाइनेस को भूलकर वह क्या करने लगा, खुशी से फिर से डांस करने लगा। तो ये क्या थी हमारी प्रकाश की स्टोरी थी, शाइनेस मीन्स जो शर्माता था प्रकाश, वह बाद में क्या हो गया बारिश आने से, हाँ उसने काफ़ी सारे चीज़ों को भुलाकर, शाइनेस को भुलाकर उसने डांस करना शुरू किया, साथ ही साथ इतना अच्छा डांस किया कि सारे फ्रेंड्स उसके डांस को, उसकी टीचर उस डांस को देखकर खुशी से झूम उठे। तो ये क्या थी हमारी स्टोरी थी प्रकाश द पीकॉक की। ओके, सो आज आपको स्टोरी को खुद रीड करना है। ओके, साथ ही साथ लर्न मीनिंग फ्रॉम द स्टोरी, रिपीटेड, क्या है रिपीटेड, व्हाट इज मीनिंग बाय रिपीटेड, सेड आर डेड समथिंग अगेन एंड अगेन, मीन्स किसी एक बात को कहना और बार बार को उसी चीज़ को करने के लिए हम रिपीटेड का वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, अगेन एंड अगेन, थॉर्नी हैविंग मैनी थॉर्न्स, मीन्स हैविंग मैनी थॉर्न्स का मीनिंग, येस थॉर्नी ब्लश, उनके पंखों को, उनको जो शर्माते हैं उसे कहते हैं हैवी, हैविंग मैनी थॉर्नस, उनके पंखों को जो बहुत सारे फैले होते हैं उन्हें। ओके, प्रैक्टिसिंग डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन टू गेट बेटर एट इट, प्रैक्टिस करना मीन्स किसी एक चीज़ को करने के लिए उससे बार बार रिपीट करना और अच्छी तरह से करने की कोशिश करना, इसे हम क्या कहेंगे, प्रैक्टिसिंग। लिपिंग मीन्स जंपिंग करना, देखा था आपने किस प्रकार प्रकाश जंप कर रहा था। चौरस स्पीक टुगेदर मीन्स बार बार बोलना, बार बार आवाज़ निकालना। फ्रेंच वॉक आर डांस इन एनर्जेटिक मैनर, देखा है आपने स्टोरी में फ्रेंच मीनिंग आया था, यस तो उसका मीनिंग होगा कि एनर्जेटिक मैनर मीन्स एनर्जेटिक डांस करना, किसी भी काम को करना, चलना। ओके, तो क्या हुआ था, जैसे बारिश आने लगी, बादल गरजने लगे, तो साथ ही साथ पीकॉक प्रकाश कैसे एनर्जेटिक से डांस करने लगा। फ्लैश अ सडन शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ ब्राइट लाइट मीन्स आकाश में देखा है आपने जब बिजली कड़कती है तो एक अलग ही लाइट वहां से हमें क्या होती है, दिखती है। ओके, रिलेट स्पिन अराउंड मीन्स गोल गोल घूमना, ट्रिलेट टू टर्न क्विकली मैनी टाइम्स मीन्स एक ही टाइम में काफ़ी बार स्पीड में घूमना, ब्लश्ड बिकम रेड, ब्लश मीन्स यस शर्मा के आपने देखा है ना चेहरा लाल हो जाता है जब हम या फिर हाँ पिकॉक जब उसे सब लोगों ने उसका डांस देख के क्लैपिंग करना शुरू किया तो क्या हुआ, यस वह शर्मा कर उसका चेहरा लाल पड़ गया। फैड बिकम लेस मीन्स, फैड मीन्स यस, वॉट इज मीनिंग बाय फैड, आपके लास्ट सेंटेंस में आया हुआ है वर्ड, बट एज दे ऑल वॉकड बैक टूगेदर हिज शाइनेस स्टार्टेड टू फेड अवे मीन्स वह अपना सैडनेस भूलकर, शाइनेस भूलकर, शर्माना भूलकर कैसा हुआ, आगे बढ़ गया मीन्स बिकम अ लेस हो गया, आगे बढ़ गया। तो आपको इस सारे मीनिंग्स को आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, नाउ आज के लिए इतना ही होगा, कल हम आगे देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्सेट्रा। ओके, नाउ हैव अ नाइस डे ऑल आर स्टूडेंट्स, बाय।